हेलो एवरीवन, दिस इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 9 ज्योग्राफी एनसीईआरटी। इसका नाम पॉपुलेशन है और इसके बाद हम क्लास 11 ज्योग्राफी एनसीईआरटी की तरफ को रुख करेंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, जिसमें से देखा गया है कि कई बार बहुत से गवर्नमेंट एग्जाम में उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन पर भी प्रेस कर देना, ताकि आगे जब मैं वीडियोज़ बनाऊंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर यू, लेट्स बिगिन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म पॉपुलेशन। देखिए, किसी भी कंट्री के लिए वहाँ के जो लोग होते हैं वो एक अल्टीमेट रिसोर्स होते हैं। ओके, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए, वहाँ की सोसाइटी डेवलप करने के लिए वहाँ के जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो लोग रिसोर्स को बनाते हैं, क्योंकि वो एक अल्टीमेट रिसोर्स हैं। वो रिसोर्स को बनाते हैं और उन रिसोर्स को यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक कोल का एग्जाम्पल लेकर समझाऊँ, तो कोल इज़ बट ए पीस ऑफ रॉक। कोल सिर्फ एक पत्थर का टुकड़ा है हमारे लिए, कब तक, जब तक कि हम उसे एज ए रिसोर्स हम उसको यूज़ नहीं करते। यहाँ पर ह्यूमन बींग्स ही प्रोड्यूसर हैं और ह्यूमन बींग्स ही कंज्यूमर हैं। तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये ह्यूमन बींग्स रहते कहाँ पर हैं। ओके, इनका नंबर कितना है, कैसे बढ़ रहे हैं और इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो ये सारी जो डिटेल हैं हमें इंडिया का जो सेंसस है उससे हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो ये तीन तरह के क्वेश्चन हैं हमारे मन में टी करते रहते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं कि हाउ मेनी पीपल आर देयर, कितने लोग हैं और ये कहाँ रहते हैं। ओके, और पॉपुलेशन ग्रो कैसे होती है और टाइम के साथ ये कैसे चेंज होती है। ओके, और इन लोगों का क्या एज है, इनका सेक्स कंपोजिशन क्या है, ये कितने पढ़े लिखे हैं, इनका ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर क्या है और इनकी हेल्थ कंडीशन क्या है। तो आगे के जो लेसन में हम सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून विद मी। इसी बात पे एक लाइक तो बनता है। नाउ लेट्स रीड अबाउट पॉपुलेशन साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए, अगर हम इंडिया के पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 के सेंसस के अनुसार इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1210.6 मिलियन है, जो कि वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उसका सिर्फ 17.5% है। और ये जो 1.21 बिलियन पीपल हैं ये इंडिया में अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी अलग अलग जगह पर जैसे जैसे रह रहे हैं। ओके, और इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि पूरे वर्ल्ड का जो एरिया है उसका 2.4% है। अगर 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग देखा जाए, उसके डाटा के अकॉर्डिंग, तो यूपी जो है, उत्तर प्रदेश, मैं भी उत्तर प्रदेश में ही रहता हूँ, तो उसकी जो पॉपुलेशन है वो 199 मिलियन है, जो कि उत्तर प्रदेश को इंडिया का सबसे मोस्ट पॉपुलस स्टेट बनाता है। उत्तर प्रदेश अकाउंट फॉर अबाउट 16% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। पूरी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसका 16% तो सिर्फ यूपी ही है। अगर दूसरी ओर देखा जाए तो सिक्किम के जो हिमालयन स्टेट है वहाँ की पॉपुलेशन 0.6 मिलियन है, और लक्षद्वीप में तो मतलब 64,429 पीपल ही हैं। इंडिया की जो आधी पॉपुलेशन है वो सिर्फ इन पांच स्टेट में है, जो कि पांच स्टेट है यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। द बिगेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया हैज़ ओनली 5.5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज़ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेंसिटी। ओके, तो यहाँ पर पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है, आप वीडियो पॉज करके इसको देख सकते हैं। ओके, तो इस मैप को देखकर आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाले स्टेट कौन से हैं। ओके, और पूरा आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। ओके, क्वेश्चन इज पॉपुलेशन की डेंसिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखिए, जैसे एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, कितने पर्सन रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, अगर हम इंडिया की पॉपुलेशन की डेंसिटी की बात की जाए तो 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वहाँ पर एक स्क्वायर किलोमीटर में 382 पर्सन रहते हैं। लेकिन ये डेंसिटी इंडिया के इंडिया में ही वेरी करती है, ठीक है। जैसे बिहार में अगर बात की जाए डेंसिटी की, तो बिहार में वन स्क्वायर किलोमीटर में 1102 पर्सन रहते हैं। ओके, और अगर यहीं अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश की डेंसिटी 17% पर स्क्वायर किलोमीटर है। असम एंड द मोस्ट ऑफ द पेनिनसुला स्टेट हैव मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी। हिली डिजर्ट एंड रॉकी नेचर ऑफ द ट्रेन, मॉडरेट टू लो रेनफॉल, शैलो लेस फर्टाइल सॉइल हैव इन्फ्लुएंस द पॉपुलेशन डेंसिटी इन दिस एरिया। अब कुछ इस बात को समझते हैं। देखिए, लोग कहाँ पर रहना चाहेंगे, जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी हो, जहाँ पर सॉइल फर्टाइल हो। ओके, तो ये सब चीज़ें जो हैं, लो रेनफॉल, हाई रेनफॉल और सॉइल फर्टिलिटी, ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती हैं पॉपुलेशन को। ओके, जैसे अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स और केरला की बात की जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है। ओके, मतलब फ्लैट प्लेन्स हैं और वहाँ की जो सॉइल है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है,
जिसकी वजह से लोग वहाँ पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसी की वजह से वहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ओके, लुक, पॉपुलेशन इज़ अ वेरी डायनेमिक फेनोमेना। इसका जो नंबर है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, कंपोजिशन है, वो चेंज होता रहता है, और ये जो है इन तीन प्रोसेस के कारण होता है, बर्थ, डेथ, माइग्रेशन। 1000 लोगों में कितनी बर्थ हुई, 1000 लोगों में कितने डेथ हुए, और ये माइग्रेशन मतलब एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो माइग्रेट होते हैं वो भी एक कारण है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, पॉपुलेशन कम हो रही है, इसका हमें पता कैसे चलेगा, ये हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम पता कैसे लगाएंगे? तो जो सेंसस हुआ है, हर 10 साल में सेंसस होता है, तो पहले वाले सेंसस में, यानी इस बार जो सेंसस हुआ है, इससे पहले जो सेंसस हुआ था 2001 में, तो उस वहाँ पर जो पॉपुलेशन आई थी उसको इस वाले सेंसस से, यानी 2011 के सेंसस से सेपरेट कर दीजिए। ओके, तो वो जाएगा, उस समय पता चलेगा कि पॉपुलेशन ग्रो हो रही है या पॉपुलेशन कम हो रही है। ओके, इट इज़ रेफर्ड एज द एब्सोल्यूट इंक्रीज, इट इज़ स्टडीड इन परसेंट पर एनम। फॉर एग्जांपल, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ 2% पर एनम मींस हर 100 लोगों में 2 लोग बढ़ गए। ओके, दिस इज़ रेफर्ड टू एज एनुअल ग्रोथ रेट। राइट, नाउ लेट सी द प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज और पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए, इन तीन जो रीज़न बताए थे मैंने आपको पहले, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन, ये तीन ही कारण हैं जिनकी वजह से पॉपुलेशन चेंज और पॉपुलेशन ग्रोथ होती है। ओके, जैसे फर्स्ट टॉपिक को हम बात कर लेते हैं, बर्थ रेट। अगर बर्थ रेट, पहले ये देखते हैं कि बर्थ रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, 1 साल में 1000 लोगों में कितने लोगों का जन्म हुआ, ओके, मतलब कितने लोग बढ़े, तो उसे बर्थ रेट कहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, मतलब मेजर रीज़न है पॉपुलेशन बढ़ने का, ठीक है, क्योंकि बर्थ रेट बढ़ता जा रहा है और डेथ रेट कम होता जा रहा है। और अगर डेथ रेट की बात करें, तो 1 साल में 1000 लोगों में कितने लोगों की डेथ हुई, उसे डेथ रेट कहते हैं, और ये कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है रैपिड। और अगर थर्ड कंपोनेंट की बात करें, तो वो है माइग्रेशन। माइग्रेशन इज़ अ मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस द रीजन एंड टेरिटरीज। अब ये इंटरनल भी हो सकता है, मतलब कंट्री में ही, और इससे पॉपुलेशन मतलब चेंज में फ़र्क नहीं पड़ता, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में फ़र्क पड़ता है, और इंटरनेशनल भी हो सकता है, इससे पॉपुलेशन चेंज होती है। इफ़ यू टॉक अबाउट एज कंपोजिशन, तो द एज कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन रेफर्स टू अ नंबर ऑफ पीपल इन अ डिफरेंट एज ग्रुप्स इन अ कंट्री। ओके, ये एक बहुत ज़्यादा बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है पॉपुलेशन का। राइट, 15 साल से नीचे जो होते हैं वो इकोनॉमिकली अनप्रोडक्टिव होते हैं, ओके, और जिनको खाना चाहिए होता है, क्लोथिंग चाहिए होती है, और अच्छी मतलब मेडिकल केयर चाहिए होती है, एजुकेशन चाहिए होती है। अब ये जो एज होती है 15 से लेकर 59 तक, ये वर्किंग एज होती है। दे आर इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव एंड बायोलॉजिकली रिप्रोडक्टिव, दे कंप्राइज द वर्किंग पॉपुलेशन। अब अगर 59 ईयर्स के ऊपर की बात करें, तो ये इकोनॉमिकली तो प्रोडक्टिव होते हैं, लेकिन ये रिटायर हो गया, 59 से ऊपर कोई काम करने लायक थोड़े रहेंगे। दे मे बी वर्किंग वॉलेंटरीली, बट दे आर नॉट अवेलेबल फॉर एम्प्लॉयमेंट थ्रू रिक्रूटमेंट। तो अगर सेक्स रेशो की बात की जाए, तो सेक्स रेशो कहते किसे हैं? देखिए, पॉपुलेशन में 1000 मेल्स में कितने फीमेल्स हैं, उसे सेक्स रेशो कहते हैं। लिटरेसी रेट की बात करें, तो लिटरेसी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ पॉपुलेशन। ओके, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, जो शख्स 7 साल या उससे ऊपर का है, जो पढ़ सकता है, लिख सकता है, ओके, और कोई भी लैंग्वेज समझ सकता है, वो लिटरेट ट्रीट किया जाएगा। ओके, मतलब वो पढ़ा लिखा माना जाएगा। अब बात करते हैं ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर की, मतलब क्या क्या उनका पेशा है। देखिए, द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन डेट इज़ इकोनॉमिकली एक्टिव इज एन इंपॉर्टेंट इंडेक्स ऑफ डेवलपमेंट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशन इज रेफर्ड एज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। और ये 3 तरह का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। प्राइमरी एक्टिविटीज इंक्लूड एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग एटसेट्रा। एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में हम देखते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। ओके, और टर्शियरी एक्टिविटीज़ में हमें देखने को मिलता है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, कॉमर्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेल्थ। देखिए, हेल्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन कंपोजिशन। देखिए, जिस देश की जनता स्वस्थ होगी, उस देश का विकास तो अपने आप ही होगा। ओके, और ये जो कंपोनेंट है, डेट अफेक्ट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ओके, सस्टेन एफर्ट्स और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैव रजिस्टर्ड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ कंडीशन ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। अब जो कि डेथ रेट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कम हो गया, डेथ रेट पहले से ही कम होता आ रहा है। अब 1951 में आप देख सकते हैं 25 था, 25 पर 1000
कम हुआ ओके। और 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग ही 7.2 पर 1000 ओके। तो आप देख सकते हैं पहले से कितना कम हो गया। तो चलिए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये रिकॉग्नाइजिंग दैट द प्लानिंग ऑफ फैमिलीज वुड इम्प्रूव इंडिविजुअली हेल्थ एंड वेलफेयर। तो इस बात को देखते हुए भारत सरकार ने 1952 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम शुरू किया। द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज सॉट टू प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड ऑन अ वॉलंटरी बेसिस। ये जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है NDTP 2000 इज अ कल्मिनेशन ऑफ ईयर्स ऑफ प्लान्ड एफर्ट। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो इसी के साथ हमारी क्लास 9 की सीरीज़ कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियोस पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।